नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रीवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठर, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उन्हें इस संसार में कुछ भी शेष करना नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्य मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली कथा का स्मरण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वह अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं को इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन में जंघा, स्वर्ग में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मेरा 3रा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। तब मैंने अपना 3रा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इस पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।